द लाइफ सर्वाइव्स द नेक्स्ट के ईयर्स, बट वॉट शुड हैपन टू लाइफ ड्यूरिंग दिस ईयर? इस ईयर में कहीं पे भी डेथ हो जाए, अगर डेथ नहीं हुई तब तो वो यहाँ तक जिंदा पहुँच जाएगा, और फिर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो जाएंगे, तो इस ईयर में डेथ भी हो जानी चाहिए, राइट? इन अदर वर्ड्स एग्जैक्टली नौ साल पूरे करे, ना नौ से कम ना नौ से ज़्यादा, तो इसका मतलब 49 तक तो सही सलामत पहुँच जाए, और 49 और 50 के बीच में उसकी डेथ हो जाए, देन हाउ मेनी ईयर्स कंप्लीटेड? 49 सिंस बर्थ, हाउ मेनी ईयर्स कंप्लीटेड आफ्टर एज 49, राइट? इस प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, के डेफर्ड क्यू एक्स, मतलब मरना 9 साल के लिए डेफर्ड, डेथ इज डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर, सो डेथ करंट एज है एक्स, डेथ इज डेफर्ड फॉर नेक्स्ट के ईयर्स, तो सर क्या एज हो जाएगी? एक्स प्लस के, उसके बाद जो ईयर आएगा उस ईयर में डेथ हो, राइट? सो अगर वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना हो तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लाइफ एज एक्स डाइज बिटवीन एजेस एक्स प्लस के टू एक्स प्लस के प्लस वन, इस एज रेंज में डेथ हो जाए, राइट? एंड प्लीज नोट, इन ऑर्डर टू डाई एट एन एज हायर देन एक्स प्लस के, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द लाइफ मस्ट सर्वाइव टू एज एक्स प्लस के, राइट? सेंचुरी पे 100 रन के स्कोर पे आउट हो गए, तो 100 रन के स्कोर पे वही आउट हो सकते हैं जो पहले 100 रन बना तो ले, राइट? ये क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। किसी और को भी ये प्रॉब्लम आ रही है जो जैद को आ रही है? नहीं नहीं, अदर देन जैद, नहीं जैद, एक्चुअली जब भी कोई इशू होता है ना, आई गेट ए नोटिफिकेशन फ्रॉम द गो टू मीटिंग, राइट? सो इट इज मोस्ट प्रोबेबली सम प्रॉब्लम एट योर एंड, तो आप मोबाइल डिवाइस पे तो नहीं कर रहे? मोबाइल डिवाइस पे तो नहीं कर रहे बेटा आप? ओके एंड ओके एंड इफ यू आर यूजिंग वाईफाई, सिट एज क्लोज टू मॉडम एज पॉसिबल, राइट? बेस्ट ऑप्शन है लैन यूज करने का। सो वी विल थ्रू आउट CT5 वी विल मेक यूज ऑफ टू assumptions. द फर्स्ट assumption इज दैट द पॉलिसी दैट वी आर डीलिंग विद हैज ए सम assured ऑफ ₹1. दिस इज सेम एज इन CT1, जब आपने annuities पढ़ी थी तो ₹1 की annuity की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद फिर चाहे कितने भी अमाउंट की annuity हो, राइट? यू मल्टीप्लाई दैट फिगर बाय द annuity फैक्टर, राइट? सो वी आर डेवलपिंग ऑल फंक्शंस फॉर ₹1, राइट? बाद में कुछ भी अमाउंट हो वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड अजम्पशन जो CT5 में थ्रू आउट रहने वाली है वो ये है कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंट है, फ्यूचर चाहे 40 साल आगे की बात करें या 50 साल आगे की बात करें, इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंट रहने वाला, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होने वाला। दीज आर द टू अजम्पशंस दैट वी विल मेक यूज ऑफ, राइट? बट apart from these two assumptions we need two conventions also, the first convention is that abhi tak aapne dekha hoga hum policy holder ki age ko batane ke liye kya use karte hain, x, so the first convention is we assume that x is an integer, that means the current age of the policy holder is an integer, right? How many of you are exactly integer aged? We are integer aged only on our birthday, on any other day we are not integer aged, right? So does it mean that policies are bought and sold only on birthdays? No, that does not mean. It is a convention that will simplify our work without compromising our objective, right?
So convention is a way of doing things. So this has been considered as a good way of doing things, avoiding a lot of complexities and focusing on the objective. So throughout CT5 we will continue to assume that x is an integer, the current age is an integer, right? Second convention that we are going to adopt is that the death benefit is payable not on death. Death pe nahi denge to kab denge, but at the end of the year of death. डेथ होते ही तुरंत बेनिफिट नहीं देंगे हम, जिस ईयर में डेथ हुई है, एंड ईयर मींस पॉलिसी ईयर, जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर के एंड होने पे हम बेनिफिट की पेमेंट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ ए टाइमलाइन व्हाट डज इट मीन, द सेकंड कन्वेंशन मींस दैट पॉलिसी लेने के बाद अगर यहां डेथ हो गई या यहां डेथ हो गई या यहां डेथ हो गई, इन चारों केसेस में वी विल आस्क द फैमिली टू वेट एंड वी विल मेक द पेमेंट एट टाइम वन, दिस इज द एंड ऑफ द ईयर. और अगर इस किसी पॉइंट पे डेथ हो गई, देन वी आल्सो वी विल आस्क द फैमिली, ग्रीविंग फैमिली टू वेट, बिकॉज वी विल पे एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? तो किसी फैमिली को बहुत लंबी वेट करनी पड़ेगी, किसी को थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, राइट? दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक कन्वेंशन. इन रियल लाइफ वी डू नॉट डू इट, right? Because that will mean a huge bad will against insurer. In real life we make it a point to settle the claim as quickly as possible, right? So this convention will be dropped in our next class. When we meet next, we will change this convention. This convention is required to grasp the basic concept, basic understanding. Once that is there, we will change the convention and we move to realistic convention that death benefit is payable on death, right? So with these two assumptions and these two conventions in mind, we start the valuation of our first contract, which we call whole life assurance. Whole life assurance. Under a whole life assurance, no matter when the life dies, death benefit is payable, right? So now with our convention, if the life dies during the first year, right, what will be the value of Kx? Zero. And when we will pay? End of the year. And how much we will pay? 1 rupee. Sum assured is 1 rupee. So we will pay 1 rupee at the end of the year. So what will be the present value of that? V. Right? Now what if the life dies during the second year? Kx will be 1, and when we will pay? At time 2. And how much we will pay? Right? So what if the life dies during the third policy year? K will be 2, and when we will pay? Okay, ab tak aapko connection clear ho gaya hoga. के ईयर लाइफ ने कंप्लीट कर लिया मरने से पहले, और अगला साल हमने कंप्लीट कर दिया पेमेंट देने से पहले, राइट? क्लियर? सो नाउ वी कैन जनरलाइज एंड वी कैन राइट दैट फॉर ए होल लाइफ अश्योरेंस द प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल कैन बी रिटन एज वी रेज टू पावर के एक्स प्लस 1, राइट? So whatever be the value of Kx, add 1 to it and discount, right? And this is true for all possible values of K. And for convenience, we refer to it as W. We will call this random variable as W. The assignment that you will receive in your mail, I will refer to this random variable as W. So we are supposed to find out an expression for expectation of W. We find that W is actually a function of Kx, and we can use the probability distribution of Kx to find this mean. I just told you what is the distribution of K.
मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है के की, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट? दिस इज द रेंज ऑफ के, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ के. व्हाट इज लेफ्ट? प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना रहेगा, राइट? दिस इज हाउ वी फाइंड मीन. इसके लिए हमारा एक्चुअल सिंबल है के डेफर्ड क्यू एक्स, राइट? नाउ प्लीज नोट दैट CT5 डज नॉट डिमांड यू टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. दिस इज नॉट CT5, राइट? द सम ऑफ दिस सीरीज इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड टेबुलेटेड इन द टेबल अंडर द सिंबल कैपिटल ए एक्स. CT5 इज अबाउट टेक दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल एंड कैलकुलेट द प्रीमियम. टेक दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल एंड कैलकुलेट द रिजर्व that we must keep aside so that we can honor our commitment and we can pay the claim on time, right? So CT5 is more about premium and reserve calculation, surplus calculation, not about this mathematical calculation ki series ka sum nikal ke dikhao, right? So we are also supposed to know the variance of this function. Variance kaise nikalte ho aap? वेरियंस ऑफ डब्ल्यू अगर निकालना हो तो वॉट आर द पॉसिबल फार्मूलाज दैट यू कैन अप्लाई? एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस, सो सेकेंड पार्ट तो आता है हमें, फर्स्ट पार्ट रह गया, राइट? सो यू नो द डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू, सो वॉट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू स्क्वेयर? उधर स्क्वेयर कर दो, ऐसे लिख सकते हैं, राइट? इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ इंडिसेस. चलो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा? जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू निकाला वैसे ही निकलेगा. इसके लिए क्या सिंबल था? ए एक्स, और इसके लिए 2AX, राइट? ये भी टेबल में मिलता है सिंबल, इसकी वैल्यू भी टेबल में से मिल जाएगी आपको, राइट? चलो, सो बिफोर वी मूव ऑन लेट अस पॉज फॉर 3 एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 1, फुली डिस्क्राइब द एक्चुअल सिंबल्स ए एक्स एंड कैपिटल ए एक्स एंड 2AX इन वर्ड्स. ये जो दो नए एक्चुअल सिंबल आपने सीखे इनको वर्ड्स में फुली डिस्क्राइब करो, फुल डिस्क्रिप्शन. व्हाट वुड यू राइट बताओ? सपोज हम AX को फुली डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कोई नॉन एक्चुअल ने पूछ लिया AX क्या है, क्या बताओगे आप उसे? बिल्कुल ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है. किस चीज की एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है? ओके, डेथ बेनिफिट की. जब तक डेथ होगी नहीं हम पैसे देंगे नहीं, राइट? डेथ बेनिफिट कितना बड़ा है? ऑफ रुपी 1, ठीक है. और क्या बताना पड़ेगा? पेएबल, पेएबल एट द, हाँ कन्वेंशन भी बतानी पड़ेगी, पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर. आप चाहो तो पॉलिसी ईयर भी लिख सकते हो, ईयर ऑफ डेथ. डेथ किसकी? ये CT5 की नोटेशन है. जब आप ब्रैकेट में करके एक्स लिखोगे उसको पढ़ा जाएगा अलाइफ एज्ड एक्स, राइट?
आपके कई सारे एग्जाम क्वेश्चन होंगे जिसमें एग्जामिनर ने ऐसे लिखा होगा, तो इसका मतलब लाइफ एज्ड 50, ए लाइफ एज्ड 50, राइट। अच्छा, क्लियर है ये। अब एक मैंने थोड़ी जगह छोड़ दिया, आप भी थोड़ी स्पेस छोड़ दो। अब इसको जरा डिस्क्राइब करना फुली, क्या ये ईपीवी नहीं है? ये ईपीवी तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें भी तो डेथ बेनिफिट ही है, डेथ पे ही दे रहे ना पैसे, डेथ होने के बाद ही देते ना पैसे। इसमें भी तो डेथ बेनिफिट का अमाउंट 1 रुपी है, इसमें भी पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ है, और इसमें भी पॉलिसी होल्डर की एज एक्स है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फंक्शंस में? डिफरेंस तो है, तो वो इसकी डेफिनेशन में भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। दिस इज व्हाट वी मीन बाय फुल्ली डिस्क्राइब। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों की डेफिनेशन में? इसमें वी यूज हुआ है और इसमें, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, है ना? अदर देन दैट कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो पहले इसी को एग्जामिन करते हैं। सपोज वी डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट? सो डज इट मीन दैट 1 + i' इज ऑल्सो इक्वल टू 1 + i²? सो वॉट डज इट मीन, i' मस्ट बी इक्वल टू दिस। CT1 से रिकॉल करो, ऐसे 2 ईयरली इफेक्टिव रेट नहीं निकालते थे, राइट? तो अगर मैं वी स्क्वेयर को हटा के इसका नाम वी डैश कर दूं, तो इसका मतलब ये भी ईपीवी निकाली गई है आई डैश पे, और आई डैश और आई में क्या रिलेशन है? आई डैश इज द 2 ईयरली इफेक्टिव इक्विवेलेंट ऑफ आई। ये चीज हमें अपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी पड़ेगी, या हम कॉमा लगा के लिखेंगे, वेयर वेयर द प्रेजेंट वैल्यू इज कंप्यूटेड एट द एनुअल इफेक्टिव रेट, वेयर द प्रेजेंट वैल्यू इज कंप्यूटेड एट द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें भी सब कुछ यही आएगा, बस एनुअल इफेक्टिव की जगह क्या लिखोगे? 2 ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? ये एग्जाम क्वेश्चन है, और इसकी मार्किंग की स्कीम सुनो कितनी बढ़िया थी। AX आया था, 2X नहीं आया था, एक नंबर था क्वेश्चन का, और उसमें मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनमें से जो जो मिस होता जा रहा है उसका आधा नंबर काटते जाओ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं ये बताना इंपॉर्टेंट है, ये बताना भी इम्पोर्टेंट है, ये बताना भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। हाउ मेनी? 6 में से 4 आपने ठीक ठीक लिखे और 2 रह गए, उन्होंने कितने नंबर देने आपको? 0। 1 में से पूरा 1 काट लेना, राइट? एग्जाम में ऐसे ही आया था ये, यहाँ से आया। इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करने के लिए बताया ना मैंने, इसमें इसमें सब कुछ सेम है, लिमिट सेम है समेशन की, प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेम है, पावर डिस्काउंटिंग फैक्टर की सेम है, सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर ही तो अलग है ना, तो मैं उसको कंपेयर करा रहा था आपको, राइट? क्लियर हो गया ये। सेकेंड क्वेश्चन बताऊं, सेकेंड एग्जाम क्वेश्चन क्या आया हुआ है इसके ऊपर? चलो ये लिख लोगे ना पूरा सेकेंड एग्जाम क्वेश्चन। कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालो अगर इंटरेस्ट रेट 0% हो। 0% पे कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0% पे 2AX की वैल्यू क्या आएगी, और 0% पे वेरियंस क्या आएगा? पहले वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर जो आंसर आए उसको इंटरप्रेट करो, फिर उसको इंटरप्रेट करो, कमेंट करो अपने आंसर के ऊपर, व्हाट डज दिस आंसर सिग्निफाई, बताओ। तो जब इंटरेस्ट रेट 0% होता है तो डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? 1। वी इज इक्वल टू 1/1 + i, अगर i की जगह 0 रख दोगे तो
वन रह जाएगा बस, और वन की पावर चाहे टू करो या थ्री करो या फोर करो वो वन ही रहता है, राइट। तो इसका मतलब ये तो इनविजिबल हो जाएगा, है ना, वन हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज वन। तो आपने ये जवाब दिया, इसका आंसर वन। अच्छा बेटा, अगर एनुअल इफेक्टिव रेट 0% है तो टू ईयरली इफेक्टिव रेट वो भी 0% होगा, तो ये भी वन। यहाँ से भी ये वैनिश हो गया, इनविजिबल हो गया। क्या बचा, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये भी वन आ गया। फिर ये भी वन, ये भी वन, तो वेरियंस क्या आएगा, ज़ीरो, राइट। और हम सीधा यही देख सकते थे, यहीं पे रख देते तो ये नहीं आंसर आ जाता। अगर मैं यहीं पे 0% यूज़ कर लेता तो ये रैंडम वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट, कांस्टेंट का वेरियंस जीरो, कौन सा सरप्राइज है। अब इंटरप्रेट करो, वैल्यूज तो आ गई, वैल्यू समझ भी आ गई, इंटरप्रेट करो, व्हाट डज दिस वैल्यू सिग्निफाई, क्या बताती है वैल्यू। इसकी दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, कोई एक तो आपको क्लिक करेगी। फॉर कंप्लीटनेस मैंने ये तीनों क्वेश्चन असाइनमेंट में भी डाले हुए हैं, राइट। तो क्लास में भी हो रहे हैं, असाइनमेंट में भी डाले। क्या बताते वैल्यू, नहीं पता चला आपको, चलो मैं समझा देता हूँ। हाँ, देर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल करेक्ट। पर्सन डेथ इज द बिगेस्ट सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, राइट। देर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 0% इंटरेस्ट मीन देर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इट डज नॉट मैटर व्हेन आई हैव टू पे, इट डज नॉट मैटर व्हेन आई हैव टू पे, राइट। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, अर्लियर द पेमेंट हायर द प्रेजेंट वैल्यू, लेटर द पेमेंट स्मॉलर द प्रेजेंट वैल्यू। पर जब टाइम वैल्यू नहीं होती मनी की, सो नो मैटर व्हेन एवर आई हैव टू पे, कभी भी पे करना पड़े अर्ली या लेट, प्रेजेंट वैल्यू सेम है, राइट। तो कितना भी टाइम ये पैसा मेरे पास पड़ा रहे, इसने बढ़ना तो है ही नहीं। तो आज मरे तो भी मेरे लिए वही कॉस्ट है, 10 साल बाद मरे तो भी मेरे लिए वही कॉस्ट है, 20 साल बाद मरे तो भी मेरे लिए वही कॉस्ट है, और मरना सर्टेन है, राइट। तो व्हेन देयर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द टाइम ऑफ पेमेंट डज नॉट मैटर, द टाइम ऑफ पेमेंट डज नॉट मैटर, एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज सेम एज द अमाउंट। तो अमाउंट कितना देना है, 1 रुपया, कभी भी देना उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 रुपया। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन। सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज, ये क्या बताता है बेटा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लेम देना पड़े। अगर आप सिर्फ ये सम कर रहे हो, डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे, तो ये क्या निकाल रहे हो आप, क्या चांस है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मुझे क्लेम देना पड़े, कितने चांस हैं, 100%। क्लेम रेशियो 100% है इसमें। जितने लोग पॉलिसी खरीदेंगे, हर पॉलिसी पे क्लेम जाएगा, हर पॉलिसी पे एक क्लेम आएगा, राइट। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी जिसपे क्लेम ना आए। होल लाइफ पॉलिसी है, कभी ना कभी तो बंदे ने मरना है, तो 0% पे वैल्यू इसलिए निकलवाई जाती है, क्लेम रेशियो का आइडिया लग जाता है। और जितनी हाई क्लेम रेशियो होती है, पूलिंग इफेक्ट उतना कम होता है। पूलिंग मैंने समझाई थी आपको लास्ट क्लास में, पूलिंग इफेक्ट उतना कम होता है और इंश्योरेंस की कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती है, राइट। ये क्लियर हो गया, 0% में वैल्यू निकालने का फायदा समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आया था, ये इट वाज प्रिंटेड इन द क्वेश्चन पेपर कि एक्स का एक्सप्रेशन ये है। ओके बेटा, देर इज सम इशू, एक मिनट वेट करो आप।
So the third question was, use general reasoning argument to justify this expression. Use general reasoning arguments, general reasoning argument से इस expression को justify करो. बेटा now all of you must be getting the video. अब ठीक हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज जनरल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट यूज करके ये कन्विंस कर दो कि होल लाइफ अश्योरेंस की ईपीवी निकालने का ये सही तरीका है. क्या बताओगे? बट इशू तो रिजॉल्व हो गया. अब तो ठीक हो गया ना बेटा? राइट. चलो बेटा, हमारे इस एक्सप्रेशन में 3 चीजें हैं. वन इज एन एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, अनदर इज ए डिस्काउंट फैक्टर, एंड थर्ड थिंग इज द रेंज ऑफ समेशन. राइट. हमें इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करना है और हम इन तीनों चीजों को अपने कॉन्ट्रैक्ट से लिंक करना है जिसका नाम है होल लाइफ अश्योरेंस. राइट. सो द बेस्ट वे एंड द मोस्ट कंसाइज वे इज टू डू इट इन 3 स्टेप्स. इन द फर्स्ट बुलेट पॉइंट वी एक्सप्लेन व्हाई वी हैव यूज्ड दिस प्रोबेबिलिटी. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी? राइट. दैट द लाइफ इज एक्स dies between ages x plus k to. Right. Second bullet point में हमें इन दोनों को connect करना है आपस में. अगर x plus k और x plus k plus 1 के बीच में death हो गई तो फिर क्या होगा? Benefit की payment कब होगी? K plus 1 पे. और benefit का amount कितना है? 1 rupee. 1 rupee paid at time k plus 1, present value क्या होगी उसकी? ये हमें second bullet point में लिखना है. If that happens, that means ऊपर लिखा हुआ event अगर हो गया, if that happens, then the sum assured of rupee 1 would be paid as death benefit at time k plus 1 from now with present value v k plus 1. Right. So we have demonstrated that the probability and the discounting factor used are consistent. Right. अब एक ही चीज समझाने की रह गई है. Why we must consider the range 0 to omega minus x minus 1. ऐसा क्यों करना जरूरी है? इसका कारण कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है. सिंस इट इज ए होल लाइफ अश्योरेंस, सिंस इट इज ए होल लाइफ अश्योरेंस, क्या होता है होल लाइफ अश्योरेंस में? किसी भी ईयर में डेथ हो, डेथ बेनिफिट देना पड़ता है. राइट. Since it is a whole life assurance, death in any future year
would lead to benefit payment, would lead to बेनिफिट पेमेंट. किसी भी ईयर में डेथ हो बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा. तो अब वो कितने ईयर हैं जहाँ जहाँ डेथ हो सकती है. फर्स्ट ईयर हो सकता है उसमें के ज़ीरो, सेकेंड ईयर हो सकता है मतलब के वन, और लास्ट ईयर. हाँ, सो वी मस्ट ऐड द प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट? डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट. वी मस्ट ऐड द प्रोडक्ट ओवर ऑल फ्यूचर ईयर्स इन विच डेथ इज पॉसिबल. ओवर ऑल फ्यूचर ईयर्स इन विच डेथ इज पॉसिबल. राइट. सो ये हमने जनरल रीजनिंग से कन्विंस कर दिया कि हमने बिल्कुल करेक्ट मेथड अडॉप्ट किया है. राइट. ये तीन क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं इस फंक्शन के ऊपर. राइट. गॉट इट. थर्ड वाला क्वेश्चन ये था बेटा, क्वेश्चन के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन छपा हुआ था कि एक्स हैज दिस एक्सप्रेशन, यूज जनरल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स टू एक्सप्लेन दैट दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एक्स. ए एक्स का ये एक्सप्रेशन होता है. आप जनरल रीजनिंग से कन्विंस करो कि ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, ए एक्स की वैल्यू निकालने का ये सही तरीका है. ये हमें बताना था. राइट. तो हमने बताया कि ये वाली प्रोडक्ट क्यों ली हमने, और इस इवेंट के साथ यही वाला डिस्काउंट फैक्टर क्यों लिया. राइट. क्योंकि पेमेंट कब है? एट द एंड ऑफ द ईयर. राइट. राइट. और फिर हमने यही रेंज क्यों ली, कोई और रेंज क्यों नहीं ली. राइट. क्लियर हो गया. पूरी रेंज इसलिए लेनी पड़ी, होल लाइफ अश्योरेंस. राइट. विद दैट वी रैप अप अवर होल लाइफ अश्योरेंस एंड वी मूव टू सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, टर्म अश्योरेंस. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, वेरी फ्यू डायरेक्ट क्वेश्चन अपीयर फ्रॉम पार्ट वन. तो पार्ट वन में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, उसे इस तरीके के क्वेश्चन इन्वेंट करते हैं, ढूंढते रहते हैं पूछने के लिए. द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट दैट वी हैव टू डील विद इज टर्म अश्योरेंस. And for the simplicity of example, let us consider a 4-year term assurance. Later on we will generalize. पहले एक 4-year term assurance को analyze करते हैं. If the policyholder dies during the very first year, what will be the value of K? Zero. And will we pay the death benefit? Yes. Yes. अभी तो term चल रही है, चार साल की पॉलिसी है, अभी पॉलिसी चल रही है. तो वी विल पे, एंड वी विल पे एट द एंड ऑफ द ईयर. सो प्रेजेंट वैल्यू वुड बी वी. इफ द पर्सन डाइज ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, द वैल्यू ऑफ के वुड बी वन. एंड वुड वी पे? यस, वी विल पे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, देन ऑल्सो वी विल पे. एंड इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, देन ऑल्सो वी विल पे. बट वॉट इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द फिफ्थ ईयर? पॉलिसी तो यहाँ ख़त्म हो गई, पॉलिसी यहाँ ख़त्म हो गई, उसके बाद डेथ हुई है, हमारी कौन सी जिम्मेवारी है? वी विल पे नथिंग. यहाँ डेथ हो गई तो मतलब ये हुआ ना. राइट. पॉलिसी ख़त्म हो गई, पॉलिसी टर्मिनेट. चार साल की पॉलिसी थी, चार साल पूरे हो गए, आपको भगवान ने सलामत रखा, बड़ी अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं इस बात से. राइट. कभी ना कभी तो भगवान आपको याद करेगा आज के बाद, तो फिर हमसे कुछ उम्मीद मत रखना. चार साल की पॉलिसी थी, खत्म. राइट. क्लियर. तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं.
I will use T from term assurance. The present value random variable in this case would be V raised to power kx plus 1 provided k is less than n. 0 if kx is greater than or equal to n. Okay. क्लियर बेटा, होल लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी ना, तो फिर हमने क्या लिखा था, v की पावर kx एक्स प्लस वन फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ kx, ऐसे लिखा था ना w को। t में ऐसा नहीं होता, टर्म एश्योरेंस में कंडीशन होती है, विद इन द टर्म ऑफ द पॉलिसी अगर डेथ हो जाए ओनली देन द इंश्योरर इज लायबल टू पे द बेनिफिट, अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट, राइट। What is the expected value of this present value random variable? For the range 0 to n minus 1, it has a different definition. For the values of k from n to omega minus x minus 1, it has a different definition. Right? Is this clear? कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये ना ही लिखते क्या फर्क पड़ेगा, जीरो तो है ही, अगले स्टेप में मैं भी नहीं लिखूंगा पर पहले स्टेप में लिखना जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर डिस्क्राइबिंग मीन निकाल रहे हो और मीन भी आपने टी को एज ए फंक्शन ऑफ के डिफाइन कर रखा है, सो यू मस्ट कंसिडर द कंप्लीट रेंज ऑफ के, राइट। अगर आप यही लिखोगे दैट विल गिव ए फॉल्स इंप्रेशन दैट कि द रेंज ऑफ के इज ओनली फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। द एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू होल लाइफ, एक चीज का फर्क है बस छोटा सा, वो क्या, रेंज अपर लिमिट फर्क है, बाकी तो पूरा होल लाइफ जैसे एक्सप्रेशन। इसके लिए एक्चुअली ने जो सिंबल यूज करना शुरू किया वो ये है, कैपिटल ए एक्स इज टू एन और एक्स के ऊपर वन, यू हैव टू राइट वन अबव एक्स, एन के ऊपर नहीं लिखना वन, वन इधर खिसक गया तो गलत हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलो तो बेटा सिमिलरली पहले ये भी निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये तो निकाल लोगे अब आप इजीली, है ना। सर इसमें k इज लेस देन n तो हमने k क्यों x क्यों नहीं लिखा, समझा नहीं मैं आपकी बात, k लेफ्ट qx हाँ को हम k क्यों x में लिखेंगे, ये इक्वल हो, ये इक्वल होते हैं नहीं सर, बट उसका लेस देन n है ना, तो n, हाँ तो आप बताओ आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, मेरे को पहले क्वेश्चन क्लियर हो तो मैं आंसर दूं, अभी तो मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आपने क्या पूछा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बट वेयर, बिल्कुल ठीक है, ये तो इक्वल होता है, मैंने ही बताया आज रिपीट भी कराया बेटा, क्वेश्चन क्लियर होगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा, मुझे अभी समझ नहीं आया पूछ कह रहे हो, हाँ तो फिर हमारा आप दो मिनट रुको, अभी हम आ रहे हैं वहाँ पे, अभी इसका आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है, आप थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए हो वहाँ पे। ठीक है ना, यही आएगा ना एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ टी क्या होगा, गॉट इट। अब वो जो तीन क्वेश्चन होल लाइफ के लिए किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन इसके लिए भी आए हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी पॉसिबल नहीं, तो क्वेश्चन वही है, फंक्शन बदल देते हैं, कभी होल लाइफ का पूछ लिया कभी किसी और फंक्शन का पूछ लिया, तो चलो करें शुरू, फुल्ली डिस्क्राइब अपने इस एक्चुअरियल सिंबल को वर्ड्स में फुल्ली डिस्क्राइब करना है और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, होल लाइफ की जो डेफिनेशन है ना आपके पास उसमें बस थोड़ा सा कुछ ऐड करना है,
थोड़ा सा कुछ ऐड करना है। एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू है ये भी, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेथ बेनिफिट ऑफ रुपी 1 पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर ऑफ डेथ ऑफ ए लाइफ एज डेक्स प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द लाइफ डाइज बिफोर टाइम एन, एन से पहले डेथ हो जाए, है ना, या प्रोवाइडेड द लाइफ डाइज बिफोर एज एक्स प्लस एन, या तो टाइम एन लिख दो या एज एक्स प्लस एन लिख दो। हाँ तो फिर एन, एन तो नहीं आया ना आपकी डेफिनेशन में, फिर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिख के ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज एन। हाँ प्रोवाइडेड द लाइफ डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एन, राइट। इसके बाद कॉमा लगाओ और वो लिखो वेयर द प्रेजेंट वैल्यू इज कंप्यूटेड एट द, नहीं तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लियर है, कोई डाउट? सिर्फ ये ऐड करना है प्रोवाइडेड द लाइफ डाइज विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स या विद इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, गॉट इट। चलो अब अगला क्वेश्चन आता है 0% वाला, और तुषार आप जो पूछ रहे थे बेटा उसका आंसर इसमें कवर हो जाएगा। जब आप 0% पे वैल्यू निकालोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। तो ओपन टू यू, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू एट 0%। 1 नहीं आएगी, 1 प्रोबेबिलिटीज का सम 1 तब होता है जब रेंज कंप्लीट हो जाती है, किसी भी रेंज पे प्रोबेबिलिटीज का सम 1। ये तो पूरी रेंज है क्या, क्या ये के की पूरी रेंज है? तो इतनी सी रेंज पे प्रोबेबिलिटीज का सम 1 कैसे हो जाएगा? जब आप 0% पे कैलकुलेशन करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना, तो फिर रह क्या जाएगा? हेलो गोपाल गोयल, हाँ जी बोलिए। ये बहाने में बहुत सोच चुका हूँ, आप इसे उखाड़ के ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपकी सर्विस, एंड दैट इज एंड। मुझे मुझे परेशान मत करो आप फालतू बकवास से। कभी नहीं बताया मुझे, मेरा आज ना ये 12th मंथ है, 12 जून को लगा था, आज 2 जून है, आज आज अर्थिंग हुई है। कुछ नहीं किया था, सिर्फ आई वॉश किया आप लोगों ने। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द सर्विस, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेक्टिफाई द एरर एट योर एंड। लिंक का, लिंक की लाइट नहीं बंद हो सकती है अर्थिंग की वजह से। मेरे पे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, बट मेरे पे कॉमन सेंस है, जो आप चाहते हो कि ना यूज हो कॉमन सेंस। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं तो मैं ऐसा है, मुझे पता है वो यहीं आए थे। प्रॉब्लम मेरे प्रेमिसेस में नहीं है, प्रॉब्लम एयरटेल के कहीं सिस्टम में है, कोई सर्वर में कहीं पीछे गड़बड़ है, वो आप एड्रेस करना नहीं चाहते हो। कौन कॉल पे लेने से कुछ नहीं होगा, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, मैं गलत हूँ, बस आप लिख दो कस्टमर गलत है। लॉस ऑफ रेवेन्यू एयरटेल को होगा, मुझे नहीं होगा। मेरा जो लॉस होना था आप करा चुके हो, बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी करा चुके हो आप। मेरा जितना बड़ा अमाउंट ले रहे हो उसके कमेंसुरेट सर्विस होनी चाहिए। मैंने 12 जून को कनेक्शन लगवाया है, 12 फरवरी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लो, 12 फरवरी तक मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। 12 फरवरी से ये गलत फंक्शन कर रहा है और प्रॉब्लम आपके एंड पे, और आप उसे ठीक करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, आपकी टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है, तो ले जाओ इसे उखाड़ के। मेरे मॉडम में लिंक की लाइट बंद होती है, बार बार लिंक की लाइट बंद होती है। हाँ अभी मेरी मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, हर स्क्रीनशॉट पे डेट स्टैम्प होती है, ठीक है। तो अगर ये लिंक की लाइट बार बार बंद होती रहेगी तो मेरे पे फालतू पैसे नहीं है। मैं हाँ तो
मैं फोन दूसरी फैकल्टी को दे रहा हूँ, मेरे को क्लास में जाना है, बात होगी, बात करेंगे हम आपसे, करो। ये बच्चा ना बस आपके पास, इसका मतलब 0 डेफर्ड क्यू एक्स प्लस 1 डेफर्ड क्यू एक्स अप टू राइट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिसीहोल्डर डाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिसीहोल्डर डाइज ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिसीहोल्डर डाइज ड्यूरिंग द nth ईयर राइट। Combinedly, we can write this that the policyholder dies before n. So this is nqx. Is product of the yahi matlab hai? Probability that a life aged x dies before time n. Is sum ki jagah aap nqx likh sakte hain, right? Aap kya keh rahe ho? Discounting factor ko ignore karte hue nqx likh do. That was your doubt. Main k deferred qx ko ab दोबारा k deferred qx को लिख रहा हूँ, उसको kqx nqx क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि फर्स्ट ईयर अलग केस है, ये अलग केस है, अभी मैंने टाइमलाइन में टाइम नहीं, यहाँ डेथ हुई तो इतनी प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ डेथ हुई तो इतनी प्रेजेंट वैल्यू, सारे केसेस को आप इक्वलेंट नहीं कर सकते। अच्छा बेटा एक सेकंड देखता हूँ, हो गया बेटा ठीक, आ गई बस 0% तो ये एक ही बात हो जाएगी, v या v स्क्वायर एक ही बात है, तब वो ऐड हो जाएंगे। हाँ हो गया बेटा वीडियो, हाँ सर वीडियो भाई बार अपनी स्टार्टिंग सेलेब्रेशन बता दी। ओके बेटा, वी आर डूइंग द वैल्यूएशन एट 0%, सेकंड क्वेश्चन हमारा हर एक केस में 0% वाला ही होगा, तो 0% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इस के का कोई रोल नहीं है इसमें, अगर इंटरेस्ट रेट 0 है तो वी 1 है, उसकी जो मर्जी पावर करते रहो 1 ही आएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर इसकी इसको 1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो सिर्फ ये बचेगा, तो ये मैंने लिखा है एट 0% द टर्म एश्योरेंस विल ओनली हैव दिस एक्सप्रेशन, उसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखो या ना लिखो एक ही बात है राइट, बिकॉज ऑल डिस्काउंटिंग फैक्टर वुड बी 1, सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सम राइट, मैंने इसे एक्सपेंड करके लिख दिया, इसमें पहली टर्म में 0 डेफर्ड क्यू एक्स मीन्स पॉलिसी ऑर्डर डाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, दूसरी टर्म में 1 डेफर्ड क्यू एक्स मीन्स पॉलिसी ऑर्डर डाइज ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, और लास्ट टर्म में n माइनस 1 डेफर्ड क्यू एक्स दैट मीन्स द पॉलिसी ऑर्डर डाइज ड्यूरिंग द nth ईयर और द वेरी लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट राइट। तो अगर इन सारे केसेस को कंबाइन करके लिखें तो क्या ये लिखना ठीक है? इक्वल टू तो है नहीं ना इसमें, अगर ये भी होता साथ में, अगर ये भी होता तब लिखते ना लेस देन इक्वल टू एन। एक सेकंड, ये लिमिट कहां तक है? हाँ क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखो, एक ही बात है, ये तो एक ही बात है, दिस वन एंड द सेम थिंग, और क्या, ये तो डिस्क्रीट, जितने भी इंटीजर वैल्यू रैंडम वेरिएबल होते हैं, लेस देन 7 मींस लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 7 मीन्स कंटिन्यूस में ये बात करेक्ट नहीं है, पर इंटीजर वैल्यूड वेरिएबल जो है तो लेस देन 7 मीन्स लेस देन इक्वल टू 6 राइट। हो गया क्लियर? सो वीडियो फिर चला गया। उसकी चिंता नहीं मेरे, हाँ बेटा एक्चुअरियल साइंस में यही तो सीखते हैं, होप फॉर द बेस्ट बट
मेक प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग हाँ अभी तो एयरटेल को पेमेंट लेनी है मेरे से ठीक है अभी तो यहाँ मैनेजर भी आ जाएगा जनरल मैनेजर भी यहाँ आ जाएगा अभी तो मैंने चेक रोका हुआ है तो ठीक हो जाएगा एक दो दिन में हाँ हाँ मैं लिख भी दोबारा देता ठीक है ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि के एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो राइट मतलब डेथ फर्स्ट ईयर में ही हो जाए ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि के एक्स की वैल्यू वन हो एक साल तो कंप्लीट हो जाए और सेकेंड ईयर में डेथ हो जाए तो ऐसे ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि के एक्स की वैल्यू एन माइनस वन हो एन माइनस वन ईयर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद एंथ ईयर में डेथ हो जाए राइट तो एन से छोटी सारी वैल्यूज और लॉजिकल है कितने साल की पॉलिसी है एन ईयर की पॉलिसी है एन से पहले पहले डेथ होगी तब तो हमारी ऑब्लिगेशन है एन कंप्लीट होने के बाद डेथ होगी फिर हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है राइट दिस इज व्हाट वी राइट एज एन क्यू एक्स प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइफ एज एक्स डाइज बिफोर एज एक्स प्लस एन राइट ऐसा होता है हाँ हाँ होता है कभी ना हेड आता है ना टेल आता है कॉइन खड़ा हो जाता है होता है ऐसा होता है अच्छा नहीं मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको एक चैलेंज देता हूँ मैं मुझे आप न्यू ईयर विश करना वो ना 17 हो ना 18 हो तो फिर एग्जैक्ट 10 पे डेथ हुई कैसे कैलकुलेट करोगे पॉलिसी सर 12 अगस्त को 3:02 पे ली गई थी ठीक और डेथ भी 12 अगस्त को ठीक 3:02 पे हुई है ऐसे करते नहीं तो एग्जैक्ट 10 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है राइट हाँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट 10 पे डेथ हो पॉसिबल नहीं चले आगे ये हो गया 0% वाला सेंड में आ गया हाँ ऑफ कोर्स अगर इस पे 0% पे इसकी वैल्यू एन क्यू एक्स आ रही है तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा 1 भी हो सकता है डिपेंड करता है एन और एक्स क्या सपोज आप ये दे दो 40 साल वाले आदमी को 80 साल की टर्म एश्योरेंस दे दो तो वो तो दिस इज एज गुड एज होल लाइफ कहने के लिए टर्म एश्योरेंस है 120 तक किसने जिंदा रहना है तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी राइट हाँ तो वो ये वैल्यू 1 से कितनी छोटी होगी ये इस पे डिपेंड करता है एक्स क्या है और एन क्या है एक्स की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है कल की क्लास में याद होगा मैंने एक प्रीमियम का एग्जाम्पल लिया था 330 रुपये प्रीमियम आया था 5 लाख की पॉलिसी और प्रीमियम 330 उसमें बेटा 30 साल का पॉलिसी होल्डर था और उसने 10 साल की पॉलिसी मांगी थी राइट इसकी वैल्यू ये आती है तो इसका मतलब मैं 1000 पॉलिसी बेचूंगा तो 7 लोगों को क्लेम देना पड़ेगा 10,000 पॉलिसी बेचूंगा तो कुल 70 लोगों को क्लेम देना पड़ेगा एज 30 के अगर मुझे 10,000 पॉलिसी होल्डर मिल गए उसमें सिर्फ 70 की डेथ होगी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 ईयर बाकी 9,930 लोगों की डेथ तो प्रीमियम तो सब देंगे ना प्रीमियम तो सब देंगे ना और क्लेम सिर्फ 70 लोगों को जाएगा इसलिए 330 रुपये के प्रीमियम में से 5 लाख का क्लेम बड़े आराम से चला जाएगा और मुझे प्रॉफिट भी बच जाएगा राइट तो क्लेम रेशियो जितनी छोटी होती है पूलिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस उतनी कम हो जाती है क्लियर हाँ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ये है टी की डेफिनेशन को रिकॉल करना ये थी ना टी की डेफिनेशन राइट और रॉन्ग अब इसी डेफिनेशन को दोबारा लिखो एट 0% अगर इंटरेस्ट रेट 0% होता तो क्या डेफिनेशन होती अगर इंटरेस्ट रेट 0% हो तो क्या डेफिनेशन होती
ये बर्नौली वेरिएबल नहीं हो गया, बर्नौली ऐसे ही होता है ना, अब मीन निकाल दो टी का, बताओ क्या आएगा, वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, एन क्यू एक्स, राइट, वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, बचेगा क्या, तो इंश्योर्ड के साथ कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपने इवेंट कौन सा इंश्योर कराया, आप कल थे ना क्लास में, टर्म इंश्योरेंस लेने का पर्पस क्या होता है, बच्चे अभी छोटे हैं, अगले साल भी छोटे रहेंगे, कोई रजनीकांत की तरह से थोड़ी बड़े हो रहे हैं, ठीक, दो साल बाद भी छोटे रहेंगे, ओके, अभी आप सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस लेने का पर्पस क्या होता है, द मोमेंट आई स्टार्ट राइटिंग आई विल स्टार्ट द वीडियो, बच्चे भी छोटे हैं, कब तक छोटे रहेंगे, उतने पीरियड के लिए पॉलिसी ले लो, तो मान लो बच्चा 10 साल का है, अभी 15 साल बचे हैं जब तक उसकी इनकम आनी शुरू होगी, तो 15 साल की टेंशन है, 15 साल की पॉलिसी ले लो, 15 साल से पहले पहले मुझे कुछ हो गया तो सम इंश्योर्ड चाहिए, बच्चे के काम आएगा, 15 साल के बाद कुछ हुआ फिर कोई चिंता नहीं है, फिर बच्चा छोटा नहीं होगा, वो बड़ा हो चुका होगा, इंडिपेंडेंट हो चुका होगा, राइट, तो क्लेम इज पेएबल ओनली इन दोज केसेस वेयर द डेथ अकर्स विद इन द नेक्स्ट एन ईयर, हेंस द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सिंपली द प्रायोरिटी दैट ए क्लेम हैज टू बी पेड, 0% पे तो यही होगा ना, टाइम ऑफ पेमेंट तो मैटर नहीं करता ना, 0% पे टाइम ऑफ पेमेंट मैटर नहीं करता, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, टू लगा होता है यहाँ पे तो क्या आंसर आता, तो भी यही आंसर, तो भी यही आंसर, फिर वेरियंस क्या होता, क्या बात है, क्या छक्का मारा है, ठीक, चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, हो गया चालू, वीडियो आ रहा है बेटा, ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ 0% पे इसके इसका आंसर भी तो यही आने वाला है या कुछ और आने वाला है, आप बताओ वेरिएंस ऑफ टी क्या होगा 0% पे, मैंने ये हेडिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी कैलकुलेशन 0% वाली है, राइट, हाँ जी, और कुछ याद आया, बर्नौली में ऐसे ही होता था ना वेरिएंस, जीरो आने के लिए तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, ये कांस्टेंट थोड़ी है, कैन यू कॉल इट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट थोड़ी है, वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, पता नहीं एन से पहले मरेगा, पता नहीं एन के बाद मरेगा, हाँ, एन क्यू एक्स तो आ गया कॉमन, और बचा क्या, बर्नौली का वेरिएंस ऐसे ही होता है, क्लियर, एनी डाउट, नहीं बट आप चिंता नहीं करो, आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप आराम से घर पे बैठे वीडियो देख लेना, ठीक है, पर इस समय मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मेरे तो सारे सिग्नल ठीक हैं, ना गो टू मीटिंग की कोई नोटिफिकेशन है, अभी क्या हुआ, अभी तो मैंने बंद किया, चलो ठीक है, हाँ ये क्लियर हो गया आपको, तो तीसरा क्वेश्चन वही जो होल लाइफ में पूछा था वही वाला तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन आपके पास है ही, इस एक्सप्रेशन को लॉजिकल रीजनिंग से जस्टिफाई करना है, क्या फर्क पड़ेगा, होल लाइफ जैसे ही प्रायोरिटी तो वही है, वही उठा के कॉपी कर दो, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी वही है, उठा के कॉपी कर दो, रेंज की बात है बस, वो बताओ क्या लिखोगे उसमें, रेंज कैसे जस्टिफाई करोगे, सिंस इट इज ए नहीं एन ईयर टर्म एश्योरेंस, कितने वो भी लिखो, सिंस इट इज एन, हाँ सिंस इट इज एन ईयर टर्म एश्योरेंस, हाँ कॉमा, आगे क्या लिखोगे, ओनली डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन ईयर वुड लीड टू बेनिफिट पेमेंट, फर्स्ट टेन ईयर में होने वाली डेथ पे हमें बेनिफिट देना है, बाकी किसी डेथ पे हमें बेनिफिट नहीं देना, ओनली डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन ईयर वुड लीड टू बेनिफिट पेमेंट, राइट,
और तो किसी डेथ पे हमारी जिम्मेवारी नहीं है ना. हेंस वी मस्ट ऐड द प्रोडक्ट ओनली ओवर जीरो. हाँ जीरो टू एन माइनस वन. जीरो मतलब फर्स्ट ईयर में डेथ हुई, एन माइनस वन मीन्स एंथ ईयर में डेथ हुई. बस तो हमें उतना ही सम करना है, बाकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है. मरना तो है ही, जो इंसान पैदा हो गया उसने मरना तो है ही, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एन पे ख़त्म हो जाएगी. राइट हो गया क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक बेटा? हाँ बेटा हाँ हाँ. अगेन दो इंटरप्रिटेशन होती हैं. देर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो बट स्टिल द टाइम ऑफ डेथ मैटर्स. स्टिल द टाइम ऑफ डेथ मैटर्स. क्यों? हाँ क्योंकि ये टर्म एश्योरेंस है. राइट मैं क्या कह रहा हूँ, देर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टिल द टाइम ऑफ डेथ मैटर्स. इफ द डेथ इज बिफोर एंड देन ओनली बेनिफिट वुड बी पेड, अदरवाइज नो बेनिफिट वुड बी पेड. राइट सो एट 0% वी गेट टू नो वॉट इज द चांस दैट बेनिफिट हैज टू बी पेड. बेनिफिट कभी भी पे करूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, बट बेनिफिट पे करना भी पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा उसके जो चांस हैं वो आंसर में आ गया. वो क्लियर हो गया? एनी डाउट? और इससे ये पता चल गया क्लेम रेशियो में भी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड एन इज, क्लेम रेशियो में भी वेरी स्मॉल, मे बी बिग. हाँ 80-40 भी तो हो सकता है. तो वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो एक्स और एन के बिना हम बता नहीं सकते. राइट बट क्लेम रेशियो इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस वुड बी much smaller than one, and hence term assurance is more affordable. बहुत easy होती है, इसका premium बहुत कम होता है term assurance का. right? ये clear हो गया. so what is our next contract? pure endowment. our third contract is pure endowment. assurance तो है ही नहीं इसके अंदर. और कन्वीनियंस के लिए ना छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी समझना के लिए. 3 साल की प्योर एंडाउमेंट है. अगर पॉलिसी होल्डर की यहाँ डेथ हो गई तो हम कहेंगे के की वैल्यू 0 है और हम कितने पैसे देंगे? कुछ भी नहीं. डेथ बेनिफिट थोड़ी होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में. इसमें अश्योरेंस नहीं है. दिस इज नॉट अश्योरेंस, दिस इज एंडाउमेंट. इसमें कोई डेथ बेनिफिट नहीं होता. अगर सेकेंड ईयर में डेथ हो गई तो भी हमने कोई पैसा नहीं देना. थर्ड ईयर में डेथ हो गई तो भी हमने कोई पैसा नहीं देना. अगर फोर्थ ईयर में डेथ हुई, अगर यहाँ डेथ हुई तो यहाँ बंदा जिंदा था या नहीं था? तो हमारा प्रॉमिस क्या था? 3 साल की पॉलिसी है, जब 3 साल पूरे होंगे हम आपको पैसे दे देंगे. अगर आपको देंगे, आपको, आपके अलावा किसी और को नहीं देंगे. तो जिसकी यहाँ डेथ हुई वो 3 साल पूरे होने पे जिंदा था तो पैसे दो. तो टाइम 3 पे अगर 1 रुपी दिया तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई? V³. अच्छा अगर यहाँ डेथ हो रही है तो वो यहाँ जिंदा था या नहीं था? तो यहाँ दे दिए थे पैसे. तो डेथ कभी भी हो हमें डेथ पे थोड़ी देने पैसे, हमें तो 3 साल पूरे होने पे पैसे देने. राइट क्लियर हो गया? अब वो 3 साल पूरे होने पे उसने हमसे पैसे ले लिए, उसके बाद चाहे वो जब मर्जी मरे, चाहे अगले दिन मरे, चाहे 20 साल बाद मरे, चाहे 100 साल बाद मरे, हमें क्या फर्क पड़ता है? राइट हमारी पेमेंट ऑब्लिगेशन है कि हमें टाइम एंड पे पेमेंट देनी है. तो लेट अस यूज पी फॉर फ्रॉम प्योर एंडाउमेंट एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल नाउ बिकम्स
पहली टर्म तो जीरो हो गई ना, और सेकंड टर्म में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो कांस्टेंट है, के पे डिपेंड नहीं करता, वो बाहर आ गया। सब लिखेंगे लिखेंगे करेंगे, ये NQX नहीं है वैसे, ये समझ में आ गया। ये एक्चुरियल सिंबल है, बिल्कुल टर्म एश्योरेंस जैसा सिंबल है, पर वन की सीट बदल गई है। पहले वन कहाँ लगा हुआ था, और अब इसका लॉजिक होता है, मैं भी समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन दैट लॉजिक व्हाई वी पुट दिस वन राइट। अब आगे देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर? ये NPX होगा, क्यों? फॉर द वेरी सिंपल रीजन अगर ये NQX होता है, अगर ये NQX होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, जहाँ तक की वैल्यू इसमें कवर हुई उससे आगे की वैल्यू इसमें कवर हो रही है, तो अगर ये NQX है तो ये 1-NQX है, यानी NPX है। दूसरे ढंग से समझ लेते हैं इसको, दूसरे ढंग से भी समझ लेते हैं। पहली टर्म इसमें क्या है, एन डेफर्ड QX, मतलब एन ईयर कंप्लीट करके एन और एन प्लस वन के बीच में डेथ है। अगली टर्म क्या है, एन प्लस वन ईयर कंप्लीट करके एन प्लस वन और एन प्लस टू के बीच में डेथ हो, सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है, ओमेगा माइनस एक्स माइनस वन ईयर कंप्लीट करके अगले ईयर में डेथ हो, राइट। ये नहीं हो गया बेटा, पहली टर्म। दूसरी टर्म और लास्ट टर्म इसको कलेक्टिवली ये नहीं लिख सकते, एन और एन से बड़ी सारी वैल्यूज, राइट। सो लाइफ टाइम हैज टू बी एटलीस्ट एन, कम से कम 100 रन के बाद आउट हो, तो 100 तो बना ले पहले, राइट। दिस इज एंटर, और बिल्कुल लॉजिकल है। हमें पैसे किसको देने हैं, जो एन ईयर सर्वाइव करेगा, एन ईयर सर्वाइव करने की प्रॉपर्टी NPX, और पैसे कब देने हैं, एन पे, तो डिस्काउंटेड वैल्यू VN। अब आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर निकालना है, उससे वेरिएंस निकलेगा, फिर वही तीन क्वेश्चन करेंगे। चलो नहीं चल पड़ा, ओके एयरटेल वालों ने क्या बोला आपको, उससे को मिलाऊं, उससे पहले सब चारों फोन आ गए, कोई बात नहीं, मैं अभी उसको कार्ड नहीं किया मैंने। लैपटॉप का नहीं, चार्जर गया, ठीक। हाँ बेटा क्या आया एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर, ट्राई नहीं किया? हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर V2N सबका आ गया ना, हाँ क्लास की एनर्जी से तो ऐसे लग रहा है सबका आ गया। आप लोगों का ऑनलाइन वाले एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर आ गया, ट्राई नहीं किया अभी, कर लो ट्राई फिर, तो वेरिएंस ओके। बट इस समय तो यहाँ कोई इशू है नहीं, मेरे पास मेरे एंड पे तो कोई इशू नहीं है। सर हर दो मिनट बाद ऐसे हो गया। अच्छा
मतलब गो टू मीटिंग वाले भी थक गए नोटिफिकेशन भेजते भेजते। चलो पी की डेफिनेशन आपके पास है, अगर आप पी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? राइट, क्लियर? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर क्या होगा? राइट, सो वेरिएंस ऑफ पी क्या आया बेटा आप लोगों का? ये भी बर्नौली टाइप आ गया है ना, इसमें भी तो यही इशू है, पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। राइट, अगर देने पड़े तो कब देने पड़ेंगे वो फिक्स है, टाइम फिक्स है, टाइम का इशू नहीं है। राइट, हो गया क्लियर? चलो, तो इसके जो तीन क्वेश्चन बनते हैं ना आपके, वो तीनों में 0% वाला तो बहुत ही आसान है, 0% वाले तो करना ही नहीं पड़ेगा ना। वी एन की वैल्यू क्या होगी 0% पे? 1। बाकी दो जो रह गए हैं वो आप घर पे ट्राई करो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये समझाऊं 1 क्यों आता है, 1 क्यों लगाते हैं। राइट, व्हाट इज द लॉजिक व्हाई वी चूज टू पुट 1? टर्म एश्योरेंस पे भी लगाते हैं और प्योर एंडाउमेंट भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं पहले ये बात क्लियर कर लें। राइट, ये टर्म एश्योरेंस है, वो प्योर एंडाउमेंट है। बेटा ये जो हम अल्फाबेट लिखते हैं ये डिनोट करता है स्टेटस ऑफ लाइफ, और ये जो दूसरा अल्फाबेट हम यूज करते हैं ये क्या डिनोट करता है? स्टेटस ऑफ टर्म। ठीक है, लोगों की डेथ होती रहती है और दुनिया चलती रहती है, तो जब ये लाइफ नहीं होगी तो भी टर्म तो एक ना एक दिन पूरी होगी, और टर्म पूरी हो गई उसके बाद भी एक ना एक दिन तो लाइफ की डेथ होनी होनी है, तो हम 1 उसके ऊपर लगाते हैं। विच ऑफ दीज टू स्टेटस शुड फेल फर्स्ट फॉर ए पेमेंट ऑब्लिगेशन टू अराइज? मैंने क्या बोला है, जब भी डेथ होगी दूंगा पैसे, ऐसा बोला है? नहीं, डेथ होनी चाहिए टर्म कंप्लीट होने से पहले। सो द स्टेटस ऑफ लाइफ शुड फेल बिफोर द स्टेटस ऑफ टर्म फेल्स, देन आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे, अदरवाइज। तो मैंने इसलिए स्टेटस ऑफ लाइफ के ऊपर 1 लगा दिया, दिस स्टेटस शुड फेल फर्स्ट। यहां मैंने क्या बोला, टर्म पूरी होगी मैं पैसे दूंगा चाहे बंदा इस दुनिया में हो या ना हो, ऐसा बोला? ऐसी प्रॉमिस किया, टर्म पूरी होगी एन ईयर कंप्लीट होंगे तो मैं पैसे दूंगा प्रोवाइडेड लाइफ अलाइव हो। तो स्टेटस ऑफ टर्म शुड फेल बिफोर स्टेटस ऑफ लाइफ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पैसे नहीं देने वाला। राइट, अगर आज मैं किसी को 10 साल की पॉलिसी बेचता हूं तो 2027 में 10 साल पूरे हो जाएंगे, 2027 में मेरे को पैसे देने, ऐसे ऐसा मैंने प्रॉमिस किया नहीं। अगर ये बंदा जिंदा हुआ तो मैं पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो टर्म कंप्लीट होनी चाहिए लाइफ के मरने से पहले, तो मैं पैसे दूंगा नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। So, which status should fail first for a payment obligation to arise?
उस स्टेटस के ऊपर हम वन लगा देते हैं। क्लियर? ये आगे भी आएगा, चैप्टर 9 में भी आएगा। हस्बैंड वाइफ पॉलिसी भी, रिलेशन पे पॉलिसी लिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी चैप्टर 9 में। इसका मतलब है हस्बैंड पहले मर जाए तो भी पैसे देगा इंश्योरर, वाइफ पहले मर जाए तो भी पैसे देगा पहले इंश्योरर। और इसका मतलब क्या है, हस्बैंड की डेथ वाइफ से पहले हुई तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। राइट? तो ये क्लियर हो गया। टर्म प्योर एंडाउमेंट के 3 क्वेश्चन आपको घर के लिए मिल गए, बेसिकली 2 ही हैं, 0% पे रह के गया इसमें। राइट? अब हमारा अगला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, एंडाउमेंट अश्योरेंस। एंडाउमेंट भी और अश्योरेंस भी। प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल के लिए मैं जेड यूज कर रहा हूँ, ई नहीं यूज कर रहा। राइट? एंडाउमेंट भी और अश्योरेंस भी। एन ईयर की पॉलिसी है, एन ईयर से पहले पहले डेथ हो गई तो वी विल पे टू द डिपेंडेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर ऑफ डेथ। और अगर एन ईयर के बीच में डेथ नहीं हुई तो वी विल पे एट टाइम एन, वी पे टू यू एट टाइम एन। तो डेथ बेनिफिट भी है इस पॉलिसी में और सर्वाइवल बेनिफिट भी है। ऐसी अकेली पॉलिसी होती है जिसमें डेथ बेनिफिट भी होता है और डेथ, ये डेथ बेनिफिट भी है इसलिए अश्योरेंस, सर्वाइवल बेनिफिट भी है इसलिए एंडाउमेंट। क्लियर? It is very clear to see that Z will be obtained if you add up your T and P. करके देख लो, T की definition आपके पास है, P की definition भी आपके पास है, add करो दोनों को, देखो क्या आएगा। नहीं है बेटा, T में नीचे 0 था और P में ऊपर 0 था। T की definition में ये था ना और नीचे 0 था, और पी की डेफिनेशन में ये था ऊपर 0 था। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? अच्छा, जेड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द बेनिफिट विल बी पेड आइदर एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ और ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन ईयर, विच एवर इज अर्लियर। राइट? एक और ढंग से देखो इस रिलेशनशिप में बेटा, छोटा कौन सा है, के, तो पावर में क्या आया? अच्छा, इसमें छोटा कौन सा है तो फिर पावर में क्या आया? सो विच एवर इज स्मॉलर वो डिटरमाइन करेगा पेमेंट कब देनी है। राइट? लाइफ की तो डेथ नहीं हुई पर टर्म कंप्लीट हो गई, हम पैसे दे देंगे। टर्म तो कंप्लीट नहीं हुई पर लाइफ की डेथ हो गई तो भी हम पैसे दे देंगे। यही तो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। राइट? चलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, मिनिमम वाला। ओके, राइट। टाइमलाइन पे देखते हैं, 5 साल की पॉलिसी थी पर पॉलिसी होल्डर की डेथ यहीं पे हो गई, आप क्या करोगे? पेमेंट यहाँ पे करोगे या फैमिली को कहोगे वेट करो 5 साल पूरे होने पे आना? क्या करोगे आप? यहाँ पेमेंट दोगे ना। एक और केस बनाते हैं, 5 साल की पॉलिसी थी, डेथ 5 साल के बाद हो रही है, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे पैसे दोगे या यहाँ पे पैसे दोगे? एट द एंड ऑफ द ईयर पैसे दोगे या टर्म कंप्लीट होने पे दोगे? यहाँ पे नहीं दोगे, यहाँ पे दोगे ना। राइट? तो अगर डेथ एन से पहले हो जाए तो के छोटा होगा ना एन से, तो हम के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और अगर डेथ टर्म के बाद हो तो के बड़ा होगा एन से, फिर हम के को भूल जाएंगे, हम एन के हिसाब से पैसे देंगे। हो गया बेटा क्लियर?
एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। We recognize this as EPV of term assurance, and we recognize this as right. अभी जब तो सीखा है, अब इन दोनों के सम के लिए क्या सिंबल रखे हैं? अब वन लगाने की क्या जरूरत है? No matter whichever status fails first, अब हमें तो पैसे देने ही हैं। अगर हमने वन नहीं लगाया तो इसका ये मतलब है लाइफ की डेथ पहले हो जाए तो हम डेथ पे दे देंगे, डेथ ना हो तो टर्म कंप्लीट होने पे दे देंगे। विच एवर स्टेटस फेल्स फर्स्ट वी हैव टू पे। क्लियर? नाउ विदाउट माई सेल्फ राइटिंग इवन ए सिंगल वर्ड ऑन द बोर्ड यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर। निकालो, अपने आप करो, जेड स्क्वायर में क्या करो? हो गया क्या? तो आपने पहले रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया होगा, फिर राइट यही आया होगा। तो वेरिएंस ऑफ जेड क्या हुआ? गॉट इट? चलो, पर एक चीज पे आपने ध्यान नहीं दिया बेटा, आपने क्या लिखा? जेड इज इक्वल टू टी प्लस पी, और जेड स्क्वायर के बारे में आपने लिखा टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये कैसे ठीक हो गया? इफ जेड इज टी प्लस पी देन जेड स्क्वायर इज प्लस प्लस टू टी पी भी आना चाहिए ना। कहाँ गया ये? जीरो आएगा। टी इज ए रैंडम वेरिएबल, पी इज ऑल्सो ए रैंडम वेरिएबल, बट वेन यू मल्टीप्लाई देम यू डोंट गेट ए रैंडम वेरिएबल, यू गेट दिस। ये थोड़ी रैंडम वेरिएबल होता है। क्यों नहीं है ये रैंडम वेरिएबल? दोनों बेनिफिट एक ही पॉलिसी में हो सकते हैं, डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। हो सकता है ऐसा? नहीं। तो अगर टी जीरो है तो पी नॉन जीरो है, प्रोडक्ट जीरो, और अगर टी नॉन जीरो है तो पी जीरो है, फिर प्रोडक्ट जीरो। सो टी और पी में से कोई एक तो जरूर जीरो होगा, और जब जीरो हो जाता आ जाता है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट जीरो होता है। राइट? तो ये सही है, कुछ गलती नहीं की आपने। राइट?
टी और पी का प्रोडक्ट रैंडम वेरिएबल नहीं है, रैंडम वेरिएबल नहीं है, है ना। अब ये एक्चुअरियल साइंस के बाहर कुछ हो तो कह नहीं सकता। एकता कपूर माता का आशीर्वाद मिल जाए किसी को, पहले वो डेथ बेनिफिट ले ले, फिर मैच्योरिटी रेट पे वापस आके सर्वाइवल बेनिफिट भी ले ले, राइट। हमारी इंडस्ट्री में तो नहीं होता ऐसा। डेथ बेनिफिट मिल गया मतलब बंदा नहीं है इस दुनिया में, अब सर्वाइवल बेनिफिट कैसे मिलेगा, राइट। और टर्म कंप्लीट होने पे अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब जीरो से एन के बीच में कभी मरा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए थोड़ी मर सकते हैं, राइट। तो डेथ बेनिफिट नहीं मिला होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आप देखो एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। वेरियंस ऑफ जेड कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट यूजिंग दिस रिलेशनशिप और नॉट? ऐसे नहीं निकल सकता वेरियंस ऑफ जेड। तो इसका फॉर्मूला पता है ना आपको, बोलना वेरियंस ऑफ टी प्लस वेरियंस ऑफ पी प्लस। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये तो आपको पता है अभी डिराइव किया है, ये भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये भी आपको पता है। कोवेरियंस नहीं पता, तो आओ चलो पहले कोवेरियंस निकालते हैं। कोवेरियंस ऑफ टी कॉमा पी कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, राइट। अभी तो मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होती है, जीरो। कॉन्स्टेंट है ये प्रोडक्ट, तो इसका मीन भी कॉन्स्टेंट। और टी का मीन और पी का मीन, तब तो आपको पता चल गया कोवेरियंस क्या है। हमेशा जीरो आता है। देखो आपको लिख के समझाना पड़ेगा फिर। ये देखो टी की डेफिनेशन देखो बेटा, और पी की, अब दो ही तो बातें हो सकती हैं बेटा, या तो के एन से छोटा होगा, कि अगर एन से छोटा हुआ तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि के एन से बड़ा होगा, अगर के एन से बड़ा हुआ तो भी जीरो। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट लाइफ टाइम इज लेस देन एन और लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन? क्या चांसेस के? 1। तो इसलिए टी पी का प्रोडक्ट जीरो होने के क्या चांस है? 1, राइट। कोवेरियंस समझ में आ गया। और आपको ये भी पता है वेरियंस का आंसर कैसा आएगा, ये आएगा, राइट। तो रखो सारी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो और वहां तक पहुंच के दिखाओ। वेरियंस ऑफ टी की जगह क्या लिखोगे? ये है ना, वेरियंस ऑफ पी की जगह क्या लिखोगे? और कोवेरियंस की जगह क्या लिखोगे? ये तो कहता है ऐड करो, पर कोवेरियंस आया ही नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा। करो इसके आगे सिंपलीफाई कैसे करोगे? पहुंचना कहाँ, ये तो पता ही है कहाँ पहुंचना है, पहुंच के दिखाओ। छह नंबर बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर का बनता नहीं है।
अभी आपको दिक्कत नहीं आ रही वीडियो की? वो तो अभी मैंने बंद किया बेटा, अभी अभी नोटिफिकेशन आई है ना मुझे। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको पता है क्या करना पड़ता है? फॉलो द इंटरेस्ट रेट। जिन पे टू लगा हुआ है वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के फंक्शन है, जिन पे टू नहीं लगा हुआ वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के फंक्शन है। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, राइट। और बाकी जिन सबका इंटरेस्ट रेट एनुअल इफेक्टिव है उनको एक ब्रैकेट में ले लो, टर्म प्लस प्योर एंडाउमेंट क्या हो जाएगा? एंडाउमेंट अश्योरेंस। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। टर्म प्लस प्योर एंडाउमेंट, एंडाउमेंट अश्योरेंस। राइट, गॉट इट? लॉक कर दिया जाए। सो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, डेफर्ड होल लाइफ लास्ट टॉपिक। एंड नहीं, क्लास की एनर्जी बता रही है नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं मान लिया आपकी बात। हाउ मेनी आर इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग एंड फिनिशिंग द डेफर्ड होल लाइफ? दो तीन बस। और छुट्टी लेने के फेवर में कितने लोग हैं? बाकी सब न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल को मैं अपनी तरफ मान लेता हूँ और करा देता हूँ डेफॉल्ट होल लाइफ। अच्छा नहीं, चलो एक काम करते हैं, सिर्फ रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, दैट्स ऑल। जस्ट डिफाइन द रैंडम वेरिएबल, राइट। नहीं नहीं रैंडम वेरिएबल, डेफर्ड होल लाइफ अश्योरेंस, राइट। तीन साल का डेफर पीरियड है इस कॉन्ट्रैक्ट में। कितना डेफर पीरियड लिया हमने? तीन साल का, राइट। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ फर्स्ट ईयर में हो गई बेटा, तो के की वैल्यू होगी जीरो और हम पैसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ईयर में हो गई तब भी नहीं देने वाले हम। थर्ड ईयर में हो गई तो भी कुछ नहीं देना हमें। डेथ ड्यूरिंग द डेफर पीरियड डज नॉट लीड टू बेनिफिट। आप कल नहीं आए थे? ये हमने डिस्कस किया था कल, हमने ये बात डिस्कस की थी। ओके, हम एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी कॉस्ट कम है,
कॉस्ट कम है, और डेफरमेंट की वजह से कॉस्ट और कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कम है, प्रीमियम लो है, मेरी अफोर्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है यंग एज की वजह से, डिपेंडेंट है नहीं तो नीड नहीं है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते नीड ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ डेथ हुई तो हम पैसे देंगे क्या? कब देंगे? V4, राइट। और अगर यहाँ डेथ हुई तो भी हम पैसे देंगे। चलो इतना बहुत है जनरलाइज करने के लिए। आई एम यूजिंग डी फ्रॉम डेफॉल्ट प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल जीरो इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द डेफर पीरियड, अदरवाइज क्लियर। जब आप इसका मीन वीन निकाल लोगे तो उसके लिए एक्चुअरियल एक्सप्रेशन ये होता है बेटा, एंड डेफर्ड कैपिटल एक्स, राइट। और जब आप इसको का वेरिएंस निकालोगे तो आपको मैंने नॉट सिंबल बता दिया है और प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, राइट। मीन के दो स्टेप लिखना, साथ में प्रोबेबिलिटी तो आएगी बस, है ना। चलो तो आज यहीं पे रुकते हैं। ये कराने का पर्पज़ ये था कि वो जो तीन क्वेश्चन होते हैं ना, फुल डिस्क्रिप्शन, 0% और जनरल रीजन, वो मैं आपको दे सकूँ, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को है, मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को, तीन क्लासें मैं नेक्स्ट वीक में लेने वाला हूँ, सो दैट बड़ी जल्दी हम सैटरडे संडे ग्रुप के बराबर आ जाएं, फिर जिसको शिफ्ट होना है वो आराम से शिफ्ट हो जाए, राइट। क्लियर। तो टाइमिंग ये कंफर्टेबल है सबको, ये वाला स्लॉट, यही स्लॉट चलेगा नेक्स्ट वीक तीनों दिन, राइट। मंडे को क्लास ना होने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि इफ़ एयरटेल टीम इज हेयर टू मेक द चेंजेस, तो अलग बात है, राइट। सैटरडे संडे तो मैं बुलाने नहीं वाला उनको। हाँ, इवनिंग में भी